तो जितना हो सकता है उतना लोग लूटने का प्रयास करते हैं। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। सीम से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी और ऐसे ही मज़ेदार और नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और बने रहो हमारी फैमिली का हिस्सा। छोटा फैमिली हो गया है बट बड़ा फैमिली बनाने के लिए आपकी ज़रूरत है। दोस्तों आज मैं जो वीडियो लाया हूँ काफ़ी ख़ास होने वाला है और मेरे कुछ भाई कमेंट करके कह रहे थे कि अगर मैं दुबई में आता हूँ तो कैसे पैसा एक्सचेंज करेंगे, तो उसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों क्या होता है कि जैसे एयरपोर्ट पे आप जाते हो, ये एक जगह का नहीं सभी जगह का यही प्रॉब्लम है। अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो जितना हो सकता है उतना लोग लूटने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा यहाँ पर भी है। अगर आप एयरपोर्ट पे पैसा एक्सचेंज कराते हो, रेट सही नहीं देते हैं, मतलब धोखाधड़ी काम नहीं होता है बट रेट सही नहीं देते हैं। मतलब अगर इंडिया का, जैसे अभी दुबई का 1 दिरहम से 20 समथिंग है, तो वो क्या करेंगे 18 समथिंग देंगे, तो थोड़ा अच्छा पैसा नहीं मिलता है। तो एक्सचेंज रेट कराने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है और लोग पैसा अच्छा नहीं देते हैं, तो इसमें नुकसान है। तो हमारे एक भाई ने कमेंट किया कि अगर मान लो मेरे पास 10,000 रुपये हैं और मैं यहाँ से लेके जाता हूँ तो वहाँ कैसे चेंज कराऊँ, तो उसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे क्या होता है, छोटा छोटा जैसे इंडिया में जनसेवा केंद्र होते हैं ऐसे यहाँ पे टाइपिंग सेंटर होते हैं और एक्सचेंज के सेंटर भी होते हैं, मनी एक्सचेंज बोलते हैं वहाँ पे। कई एक्सचेंज है, कई टाइप के एक्सचेंज हैं, तो उसमें जा कर के आप जो है अपना पैसा, लेकिन आप जब एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे तो आसपास में मिल जाएंगे या तो आप किसी न किसी के थ्रू जा रहे होगे, वहाँ पे आप जाओ और नज़दीकी में आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पे नज़दीकी में आप सर्च करोगे तो एक अच्छा एक्सचेंज, मनी एक्सचेंज करके जो सेंटर होते हैं वहाँ पे पैसा दे करके आप अच्छा पैसा ले सकते हो। मतलब जो जेन्युइन रेट है वो आपको मिल जाएगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, आई होप आपको पसंद आएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।